Hi friends, my name is Neha. Welcome or welcome back to my channel Neha's Kitchen. आज मैं आपको इस वीडियो में different nozzle यूज़ करना सिखाऊंगी और क्रीम को properly whipped करना सिखाऊंगी. मैंने यहाँ पे 6 nozzle यूज़ किया है और ये designs बनाए हैं. अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सामने ही बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे व्हिप क्रीम लिया है. ये व्हिप क्रीम हमें एकदम लिक्विड फॉर्म में लेना है, जमा हुआ नहीं होना चाहिए और एकदम चिल होना चाहिए. आप चाहें तो इसके नीचे आइस क्यूब यूज़ कर सकते हैं. एक दूसरे बाउल में आइस क्यूब डाल के और उसके ऊपर ये बाउल रख सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. अगर ये अच्छे से चील है तो आपको आइस क्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फर्स्ट हम इसे लोफ में बीट करेंगे. अराउंड 1 मिनट हमें इसे लो में बीट करना है, उसके बाद हम इसका स्पीड बढ़ाएंगे. और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. मेरा हैंडलिंग है केक बाय नेहा जैन. मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. अब मैंने स्पीड बढ़ा लिया है, मैं इसे भी फुल स्पीड में कर रही हूँ. ये करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ ये अभी हुआ है कि नहीं. देखिए, आप चेक कर सकते हैं. आप बिगिनर है तो आपको आइडिया नहीं होगा कैसे के कब तक व्हिप करना है, तो आप ऐसे स्पून से चेक कर सकते हैं. देखिए, एकदम चिपक के आ रहा है, डायरेक्टली ऊपर नहीं आ रहा है. तो ये देखिए अभी नहीं हुआ है. मैं इसे और 2 मिनट्स व्हिप करूँगी. और मैंने यहाँ जितने भी यहाँ नोज़ल यूज़ किए हैं, मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था. एक्चुअली मैंने 24 पीस का सेट मंगाया था, अभी तो मैं सिर्फ 6 यूज़ करके दिखा रही हूँ. मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं. अराउंड 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम फिर से इसे चेक कर लेंगे. देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये ऐसे आ रहा है. मीन्स लाइक ये पूरा व्हिप नहीं हुआ है, लेकिन आप इसे फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं. फ्रॉस्टिंग इससे अच्छे से हो जाएगा, बट ये स्टेज में इसे हम नोज़ल में डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. मैं इसे मुझे नोज़ल में यूज़ करना है तो मैं इसे और व्हिप कर लूँगी. अभी हार्डली अब इसे 2 मिनट लगेगा और ये पूरा रेडी हो जाएगा, एक स्टिफ फॉर्म बन के रेडी हो जाएगा ये. तो अब इसे स्पून से लेके नीचे गिराने की भी कोशिश करेंगे तो ईजिली नहीं गिरेगा, बहुत प्रेशर लगेगा इसे नीचे गिराने में. तो फिर आप देख सकते हैं ये हो चुका है. मैं स्पून से भी करके दिखा दूँगी आपको. देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ गिरने की, ना इजीली नहीं गिर रहा. इसका मतलब ये रेडी है. हम इससे अभी नोज़ल से डिज़ाइन कर सकते हैं. अगर ये अच्छे से व्हिप हो तो डिज़ाइन अच्छा से आता है. ये रेडी है, अब हम इसे अपने पाइपिंग बैग में भर लेते हैं. ये मेरा है फर्स्ट नोज़ल. एक्चुअली इस नोज़ल में कोई नंबर वगैरह मेंशन नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकती है कौन सा नंबर है. मैं स्क्रीन में इसका इमेज दे दूंगी तो आप क्लियरली देख लीजिएगा. बस मैंने अपने पाइपिंग बैग में नोज़ल डाल लिया है. बट इसका ये स्टार जैसा ही है, बट इसका जो ओपन का ऊपर का जो पॉइंट है बहुत ब्रॉड है. अब मैंने पाइपिंग बैग को आगे से काट लिया है, उसमें नोज़ल बाहर निकाल लिया है. अब हम पहले इसको ईजिली भरने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ग्लास में ओपन कर लेंगे इसका, ताकि इसमें हम अच्छे से क्रीम फिल कर सकें. आप इसे हैंड में भी कर सकते हैं, आप जहाँ कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं. मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके भर लूँगी और इसे अच्छे से खोल लूँगी पूरा. अब हम अपने डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट मैं इससे एक फ्लावर जैसा बना के, फ्लावर लाइक फ्लेट फ्लावर, जैसे हमें
इसे रख के प्रेस करना है तो एक स्मॉल स्मॉल फ्लावर जैसा बन जाएगा। ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। अब देखिए जूम करके मैं दिखा देती हूँ, आपको इजीली दिखेगा। बस हमें रखना है और प्रेस करना है। ये काफ़ी इजी है बनाने में और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। आप इसे छोटे बड़े कैसे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं इसे आपको शेल बना के दिखाऊंगी। आपको प्रेस करके ऊपर लेके जाना है, फिर अपने हैंड को नीचे लेके आना है, ऊपर लेके जाना है फिर नीचे लेके आना, तो एक अच्छे से सेल जैसा बनेगा। ये काफ़ी प्यारा लगता है। आपको अपना हैंड फ्री करना है नोजल यूज़ करने के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से, तभी आपसे होगा। ये मैं राउंड फ्लावर जैसा बना रही हूँ, बस प्रेस कर रही हूँ, उसे गोल घुमा रही हूँ। ये एग्जैक्ट फ्लावर शेप में तो नहीं आता है, ये मैंने इसे 3 डिज़ाइंस बनाए हैं। अब मैं हमारे नेक्स्ट नोज़ल, इसका कट थोड़ा स्लैंट करके, मीन्स टेढ़ा टेढ़ा करके, स्ट्रेट कट नहीं है। तो फर्स्ट मैं इसे आपको फ्लावर बना के दिखाती हूँ, प्रेस करूँगी और घुमाऊँगी। सब नोज़ल से सेम डिज़ाइन बनता है, लेकिन आपको डिफरेंस पता चलेगा जब आप बनाएंगे तो, मीन्स लाइक एग्जैक्ट फ्लावर दूसरे नोज़ल से बनता है, इससे नहीं बनता है। तो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी। अब मैं स्टार जैसा बना लूँगी, एग्जैक्ट स्टार नहीं है, ये भी फ्लावर जैसा ही। इसे प्रेस करके आप छोड़ेंगे तो लाइक ये थोड़ा ऊँचा ऊँचा लगेगा, इसका ऊँचाई ज़्यादा रहेगा, फ्लैट नहीं है ये पूरा। मैं इसे प्रेस करके तो घुमा रही हूँ, इसलिए ये पूरा राउंड में आ रहा है। आपसे डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो पूरा राउंड में नहीं आएगा, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके दिखेगा। मैं स्क्रीन में एक पिक इंसर्ट कर दूंगी, मैंने बनाया था इससे। अब मैं इसे शेल बनाऊंगी, सेम प्रोसेस से प्रेस करके अप एंड डाउन, प्रेस देन अप एंड डाउन, आपका शेल बन जाएगा। ये है स्टार नोज़ल ही है, बट इसका पॉइंट थोड़ा नेरो है, तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लावर बनता है। दिखाती हूँ आपको, मैं फर्स्ट इसे अपने फ्लावर ही बना के दिखाती हूँ। आपको प्रेस करना है, देन राउंड करना, प्रोसेस सेम है बट आप डिफरेंस देख सकते हैं किस में ज़्यादा अच्छा बन रहा है। देखिए इसमें बहुत सुंदर लगता है ये। आपको बस प्रेस करना है एंड देन राउंड घुमाना है, प्रेस करना है एंड देन राउंड घुमाना है, देन इसे स्टार बनेंगे। इससे स्टार भी बहुत सुंदर बनते हैं। अब स्टार छोटा बड़ा आप अपने चॉइस से बना सकते हो। इससे भी शेल बनता है पर मैं बना के नहीं दिखा रही हूँ, सेम प्रोसेस है। देखिए मैंने थोड़ा बड़े बड़े स्टार बनाया है, अब मैं आपको थोड़ा छोटा छोटा बना के दिखाऊंगी। काफ़ी इजी है इन्हें यूज़ करना, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपका हैंड फ्री हो गया तो फिर आपको आप इजीली आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अभी छोटे छोटे स्टार बनाए हैं, आप देख सकते हैं। इससे फ्लावर काफ़ी अच्छा बनता है और स्टार भी प्रॉपर स्टार बन के आता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नोज़ल की तरफ, जो है फोर्थ नंबर। यह है ओपन स्टार नोज़ल, इसका पॉइंट ब्रॉड है और ये पूरा स्टार के जैसा है। पहले वाला का पॉइंट थोड़ा ब्रॉड नेरो था, इसका ब्रॉड है। ठीक है, इससे भी स्टार बनता है काफ़ी अच्छा।
इसका नाम ही ओपन स्टार नोजल टू स्टार तो बनेगा ही, बट इसका नंबर नहीं पता, कुछ मेंशन नहीं है इसमें। एंड से शेल बना सकते हैं, लेकिन इससे शेल उतना अच्छा नहीं बनता जैसे पहले वाले से बना था, बहुत फ्लैट फ्लैट बनता है तो उतना अच्छा नहीं लगता। पहले दो नोजल से जो मैंने शेल बनाया था वो वाला ज़्यादा बेटर है इससे। अब इससे स्टार शेल फ्लावर बना सकते हैं। देखिए मैंने छोटे छोटे स्टार भी बनाए हैं एंड देन फ्लावर, इससे भी फ्लावर अच्छा बनता है। बस इसे प्रेस करना है, राउंड घुमाना है, सेम टेक्निक सब सेम है। ये हो गया है, अब हमारे नेक्स्ट नोजल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोजल थोड़ा डिफरेंट है, इसके नीचे में थोड़ा वीवी जैसा कट है, तो इससे क्या होता है कि इससे दो लेयर निकल के आता है। मैं दिखाती हूँ आपको, फर्स्ट हम बनाएंगे स्टार, स्टार तो नहीं बनेगा, फ्लावर जैसे ही बनेगा दो लेयर में, हमें जस्ट प्रेस करना है। सिंपली जस्ट प्रेस करना है तो ये फ्लावर जैसा बन के निकल जाएगा। एंड देन आप इससे शेल बना सकते हैं। फर्स्ट फ्लावर बना रही हूँ मैं, बस प्रेस करके राउंड घुमाना है। एंड देन अब मैं आपको शेल बना के दिखाऊंगी, सेम प्रोसेस है, प्रेस अप एंड डाउन, फर्स्ट प्रेस देन अप एंड डाउन। एंड देन ये लास्ट है लीफ, लीफ नोजल, इससे लीफ बनते हैं। आपको भी फ्लावर के साइड में इसे लुक, फ्लावर को लुक देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट प्रेस करके निकालना है, प्रेस करके थोड़ा हैंड को शेक करना है, फिर इसे छोड़ना है, तब थोड़ा सुंदर से बन के आएगा। डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो बहुत छोटा छोटा बन के आएगा। बस प्रेस करना है, थोड़ा हैंड को शेक करना है, देन ऊपर लग के छोड़ देना है। मैं साइड में आपको क्लियरली करके दिखा देती हूँ। अब हमारे लास्ट डिज़ाइन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसी से बनाएंगे। इसे एक रिबन काइंड ऑफ डिज़ाइन बना सकते हैं, लाइक आपको प्रेस करते करते इसे जितना लंबा बनाना है आप लंबा बना सकते हैं। आप केक के बॉर्डर में यूज़ कर सकते हैं या ऊपर पार्ट में यूज़ कर सकते हैं, बस सिंपली इसे प्रेस करना है, हैंड को शेक करते करते आपको जितना लंबा बनाना है आप अपना बना के छोड़ सकते हैं। ये थी मेरी लास्ट डिज़ाइन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने बता दिया था, उसे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, स्टे ट्यून, बी हैप्पी।